एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश की इट्स सो हैपेंड बुक का चैप्टर 1 कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कि कैमल के पीठ पे आप ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रोट्रूजन देख रहे हैं इसे हम्प कहा जाता है। तो कैमल को ये हम्प कैसे मिला, इसके पीछे कहानी है। ये कहानी आज हमें पता चलेगी और इस स्टोरी के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एब्रिज्ड। एब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्टन, यानी कि कहानी को शॉर्ट किया गया है हमारे इस चैप्टर के लिए। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस कहानी है कि कैमल को उसका ये हम्प कैसे मिला। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। पार्ट 1 ऐसे शुरू होता है, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, There was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अब यहाँ पे howling desert का मतलब क्या हुआ? Desert हम सबको पता है, रेगिस्तान। अब howling desert means एक ऐसी desert जो बहुत बड़ी होती है, जब वहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे howling की आवाज़ आती है, जब हवा के तेज़ी से चलने की जो आवाज़ है, और साथ ही साथ वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं जिनके howling की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन द बिगिनिंग, यानी कि बहुत पुरानी बात है, जब हमारी दुनिया शुरू ही हुई थी, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, यानी कि जो आज की डेट में तो हम देख सकते हैं बहुत कॉमन है कि बहुत सारे जानवरों को हम काम के लिए अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ये चीज़ शुरू ही हुई थी उन टाइम्स में एक कैमल हुआ करता था, वो एक डेजर्ट में रहता था। वो डेजर्ट में क्यों रहता था? क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम जस्ट हम एंड नो मोर। तो जैसे कि ये डेजर्ट में रहता था, डेजर्ट में उसे खाने के लिए कोई हरी भरी घास तो मिलेगी नहीं, उसे वहाँ पे सिर्फ सूखी हुई लकड़ी की डंडियाँ, कांटे, बड़े छोटे, थॉर्न्स क्या होते हैं बड़े कांटे और प्रिकल्स होते हैं छोटे कांटे, तो उसे बस यही चीज़ें खाने को मिलती थी। और जब भी कोई उससे कोई भी बात करता था तो वो जवाब में सिर्फ हम बोलता था। बेसिकली दिस इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ कैमल, पर यहाँ पर इसका कुछ और डीप मीनिंग भी है। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। देखिए, नाउ वी ऑल नो दैट हॉर्स को यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर लोग बैठकर ट्रैवल करते हैं। सैडल क्या होता है? एक सीट लेदर की बनी हुई, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो लेदर की बनी हुई सीट है इसे सैडल कहते हैं, और जो भी हॉर्स राइडिंग करता है वो इसके ऊपर बैठ जाता है। तो इस हॉर्स के ऊपर भी ऐसे ही सैडल पड़ा हुआ था। ट्रॉट का मतलब क्या होता है? स्लो रनिंग, धीरे धीरे दौड़ना। तो ये हॉर्स बेचारा काम के बोझ का मारा है, तो ये कैमल से मदद मांगने जाता है और एक सुबह उसे कहता है कि आओ तुम भी हमारे साथ ट्रॉट करो, तुम भी हमारे साथ कुछ लोगों को ट्रैवल करने में मदद करो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल ने रिप्लाई एज यूजुअल सिर्फ एक हम्फ कर दिया और वो बेचारा हॉर्स वहाँ से चला गया, और उसने अपने मास्टर मैन को बताया कि कैमल उसकी मदद नहीं कर रहा। Presently, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." Fetch का मतलब होता है to bring something. अब अगले दिन उसके पास एक dog जाता है, वो भी काम करता है, उसके मुंह में एक stick होती है और वो camel को कहता है कि मेरे साथ आओ और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें इधर से उधर लेकर जाते हैं, तुम भी आकर हमारे साथ मदद करो। फिर से कैमल का वही जवाब था हम, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो डॉग ने भी वही किया, वो वापस चला गया और उसने भी अपने मास्टर को बताया कि कैमल उसकी मदद नहीं कर रहा। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। योक क्या होता है? जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये जो लकड़ी की बनी हुई स्टिक है जिसके साथ प्लो को जोड़ दिया जाता है, और इसकी मदद से ही जब ये कैटल चलती है तो नीचे जो सॉइल है वो प्लाव हो जाता है। प्लाव का मतलब क्या होता है?
टू टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन बिफोर सोइंग द सीड्स। जैसे हम खुरपी के साथ खुदाई करते हैं तो जो लार्ज स्केल में बड़ी बड़ी खेत होते हैं वहां पर प्लाउइंग की जाती है इस तरह से। तो ये ऑक्स है, ये भी कैमल के पास जाता है, बेचारा इतना काम करता है तो ये भी कैमल को कहता है कि आओ तुम भी हमारे साथ थोड़े से खेत जुतवाने में मदद करो। कैमल का वही जवाब है, हम्फ सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। ऑक्स ने भी यही किया, वो वहां से चला गया और उसने अपने मास्टर को बताया कि कैमल उसकी मदद नहीं कर रहा। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, थ्री ओ थ्री आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। तो अब जब शाम हो गई तब इस आदमी ने इन तीनों जानवरों को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि मैं तुम तीनों के लिए बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो ये कहता है कि वो जो हम्प थिंग है, हम्प थिंग क्या है, वो जो कैमल है वो डेजर्ट में इसलिए रहता है क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता और वो यहाँ पर नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए अपना काम टाइम से ख़त्म करने के लिए तुम्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said hum and went away again. अब ये जो तीनों जानवर थे हॉर्स ऑक्स और डॉग, इन तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा था, इन्होंने एक पंचायत बुलाई। पंचायत क्या होता है, विलेज में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी काउंसिल होती है, इट्स काइंड ऑफ अ प्राइवेट लीगल वे ऑफ सॉर्टिंग आउट मैटर्स। तो इन जानवरों ने पंचायत को बुलाया और डेजर्ट के एज पे यानी कि डेजर्ट के किनारे पे बैठ के ये बात कर रहे थे, वहाँ पर कैमल आ गया। कट क्या होता है, ये जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं हमें पता है इनके दो पेट होते हैं, तो जो उसके फर्स्ट स्टमक में फूड है वो वापस से जब उसके माउथ में आता है ताकि वो उसे और अच्छे से च्यू कर सके, उस फूड को कट कहते हैं। तो कैमल इस तरह से चबा रहा था खाना, उसने उनको देखा कि वो बहुत नाराज हैं, उसने सिर्फ हम्प किया और फिर से वहां से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। जिन क्या होता है, वैसे तो ये एक मैजिकल क्रीचर है, एक स्पिरिट होती है जो कि कभी भी कहीं भी अपीयर हो जाती है अगर कोई उसे बुलाता है, ये कोई भी फॉर्म ले सकती है एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का। तो ये जो जादुई शक्ति है ये वहाँ पर आ गई और ये सारे डेजर्ट्स की इंचार्ज थी। तो ये एक मिट्टी उड़ाती हुई हवा में इस तरह से स्पिरिट सी फॉर्म हो गई जिसे जिन कहते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, सर्टनली नॉट सेड द जिन। आइडल का मतलब है टू डू नथिंग। तो हॉर्स ने जिन को ऐसे एड्रेस किया, उसे कहा जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, क्या ये सही है कि कोई व्यक्ति या कोई जानवर सारा दिन बिना कुछ किए ऐसे ही बैठा रहे। तो जिन ने कहा नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रॉट। तो फर्दर हॉर्स ने जिन को बताया कि तुम्हारी इस डेजर्ट के बीच में एक ऐसा जीव रहता है जिसकी बहुत ही लंबी गर्दन है, बहुत लंबी लंबी टांगे हैं और मंडे सुबह से उसने कुछ काम नहीं किया है और वो मेरे साथ ट्रॉट करने के लिए भी रिफ्यूज कर रहा था। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो जिन बहुत हैरान हो जाता है, कहता है अरे वो तो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है। ही सेज हम and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll humph him if you will kindly wait a minute. तो ox ने बताया कि वो plow करने से भी refuse कर रहा है और वो सिर्फ humph बोलता है। अब यहाँ पे जिन कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, I'll humph him. यहाँ पे humph him का मतलब है I will set him right. तो जिन कहता है कि अगर आप एक मिनट इंतजार करेंगे तो मैं अभी इस कैमल को ठीक कर दूंगा। अब हमारी कहानी का सेकेंड पार्ट शुरू होता है। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड
found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब यहाँ पे डस्ट क्लोक किसे कहा जा रहा है? ये जो मिट्टी है जो ये जिन उड़ाता है जब भी वो अपीयर होता है या डिसअपीयर होता है. क्लोक क्या होता है? एक काइंड ऑफ अ कवर, जैसे सुपरमैन के पीछे जो वो कर्टन सा उड़ता है उसे क्लोक कहा जाता है. सो यहाँ पे जिन का क्लोक क्या है? वो डस्ट जिसके थ्रू वो अपीयर और डिसअपीयर करता है. तो अब जिन वहां से जा रहा था तो उसने एक बार फिर से मिट्टी उड़ाई और उसी में गोल गोल घूमता हुआ वहां से गायब हो गया. और जब वो डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था तो उसे कैमल दिख गया और उसे क्या देखा कि कैमल एक पॉन्ड ऑफ वाटर में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को देख रहा था. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर नॉट डूइंग वर्क. तो जिन ने उसे कहा कि ये क्या बात है मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम कोई काम नहीं करना चाहते. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो जिन कैमल की साइड पर बैठ गया और कैमल क्या कर रहा था? वो अपनी परछाई पानी में देख ही जा रहा था. और जिन ने इस तरह से अपना हाथ अपनी चिन पे रखा हुआ था और वो सोच रहा था कि किस तरह से इस कैमल का इलाज किया जाए. You have given the three extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. तो जिन ने उसे फर्दर कहा कि बेचारे तीन जानवर हैं ये ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारी वजह से इन्हें डबल काम करना पड़ रहा है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, हंफ सेड द कैमल. तो इस तरह से बेचारा जिन अपने हाथ में अपनी चिन को रख कर बैठा हुआ था और सोच रहा था. कैमल ने क्या रिप्लाई किया? फिर से वही रिप्लाई किया. उसने बोला हंफ. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. तो जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये शब्द एक और बार बिल्कुल ना बोलता. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये जो शब्द है बार बार तुम इसे ही बोलते हो, इससे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जानवरों को बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर. और ऐसा ना हो कि हम लोग गुस्से में कुछ ऐसा कर जाएं जो कि तुम्हें पसंद ना आए. और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैट ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्फ. अब कैमल अपनी आदत से मजबूर था, उसने एक बार फिर से हम्फ वर्ड बोला जबकि जिन ने उसे मना भी किया था. और जैसे ही उसने ये वर्ड बोला उसने क्या देखा? उसकी जो पीठ थी जो कि उसकी बहुत प्राइड थी, बहुत बड़ी पीठ, बहुत ऊंची पीठ थी उसकी जिस पर उसको बहुत अभिमान था, वो धीरे धीरे पफ अप होने लग गई, यानी कि फूलने लग गई ऊपर की तरफ और एक हम्प बन गया उसकी पीठ पर, ऐसे ऊपर की तरफ निकला हुआ कर्व बन गया उसकी बैक पर. डू यू सी दैट? said the jinn. That's your very own hump that you've brought upon your very own self by not working. तो जिन ने उसे कहा कि क्या तुम देख सकते हो उसे? अब तुम रिफ्लेक्शन तो देख ही रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा हम्प भी दिख जाएगा और ये तुमने खुद अपने ऊपर बनाया है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे और तुम हर वक्त हम्प हम्प बोलते हो. तो अब मैं तुम्हें ठीक करने के लिए ऐसा करूंगा. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. तो जिन कहता है कि आज Thursday हो गया है तो Monday से कोई काम नहीं कर रहे जब से काम शुरू हुआ था और आज से तुम काम करोगे. How can I? said the camel with this hump on my back. कैमल कहता है कि मेरी पीठ पर इतना बड़ा हम्प बना हुआ है, इसके साथ मैं काम कैसे कर पाऊंगा? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. जिन कहता है कि ये जो हम्प है तुम्हारी पीठ पर इसका भी एक पर्पस है. तुमने पिछले 3 दिन से कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से तुम्हें ये मिला है. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो जिन ने उसे कहा कि अब तुम कंटिन्यूसली 3 दिन तक काम करोगे, तुम कुछ भी नहीं खाओगे क्योंकि ये जो हम्प है इसमें तुम्हारा काफी खाना स्टोर हो गया है और अब तुम मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं करोगे और ये भी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया.
अब तुम्हें डेजर्ट से बाहर आना पड़ेगा और उन तीनों जानवरों की, घोड़े की, ऑक्स की और डॉग की मदद करनी होगी। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। तो यहाँ पे राइटर थोड़ा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उस तभी कैमल चला गया उन तीन जानवरों की मदद करने के लिए, और उस दिन से लेकर आज तक कैमल की पीठ पर हमें वो हम्प दिखाई देता है। हम उसे हम्प नहीं बोलते, हम्प बोलते हैं, क्योंकि हम उस कैमल की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और फिर वो फर्दर ऐड करते हैं, लेकिन आज तक उस कैमल ने इतना काम नहीं किया कि जो उसने तीन दिन का स्टार्टिंग का काम मिस किया था वो उसे कवर अप कर पाए, और आज तक वो बिहेव भी नहीं करता अच्छे से लोगों के साथ। इसके साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और यहाँ पर हमें एक फिक्शनल कहानी पढ़ी कि किस तरह से कैमल की पीठ पर ये हम जिन ने बना दिया, बिकॉज कैमल हर वक्त हम हम करता रहता था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स, वी विल ट्राई एंड रिवर्ट टू यू। विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।